Hello guys, my name is Tarun Swami and welcome you all on the platform of Clat Prep. And जैसा कि आपको पता है अपन newspaper reading कर रहे हैं और अपन देख रहे हैं कि newspaper में हमारी approach क्या रहनी चाहिए ना. So guys, आज भी मैं आपके पास एक बहुत ही simple सा एक paragraph लेकर आया हूँ newspaper का. आज daily I interact with students and I have seen that जो students के साथ problem है वो यही है कि you just directly switch to move to the editorial page and it gets very difficult for you people to comprehend it because हमें पता ही नहीं मुद्दा चल क्या रहा है. So it is a suggestion, just apply a logic that अगर हम जिम भी जाते हैं तो we do not start with the 100 kgs of what you call जो bars है उसको लेकर हम जितना भी weight लेते हैं according to our starting में we have to go with the easy one. हमेशा हमें स्टार्ट इजी से करना चाहिए, देन वी कैन रेज आर लेवल, राइट. तो अभी जो क्लैट के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लैट एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा दैट इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग एंड इफ यू वांट दैट यू नो फॉर दिसंबर, सो इट इज जस्ट द बिगनिंग, वी आर इन द इंसेप्शन ऑफ आर प्रिपरेशन, सो नथिंग टू वरी, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एज वी ऑल नो. So, हमारा जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं हमारा यही प्रयास रहेगा कि वी शुड गो विद स्टेप बाय स्टेप एंड विद द इजी टू मॉडरेट देन डिफिकल्ट लेवल, देन वील वर्क ऑन आर स्पीड, राइट. तो आज का अपन शुरू करते हैं. आज भी एक बहुत ही छोटी सी खबर लेकर आया हूँ, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, अपन उसको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए. अभी आपकी क्लास से पहले भी एक स्टूडेंट आया था, ही वॉज सेइंग दैट कि सर पैसेजेस समझ में नहीं आते हैं. तो पैसेजेस समझ में, बहुत सारे अधिकतर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको पैसेजेस समझ में नहीं आते. अब समझ में क्यों नहीं आते हैं, आई हैव टोल्ड यू, जब आप पढ़ें तो टेक टाइम, वी आर नॉट इन अ रेस, वी आर नॉट इन अ रैली, राइट. सो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, आप सोचें कि हम अभी से बस पूरे सारे क्वेश्चन समझ जाएं, पूरा पैसेज हमें समझ में आ जाए, उसके इन्फ्रेंस एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू गिव टाइम टू दैट थिंग. और मैं मॉक में बच्चों को कहता हूं कि बेटा अभी स्टार्टिंग है तो गो फॉर 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, गो फॉर 3 पैसेजेस, कि अगर आप 30 मिनट में, 20 मिनट में अगर आप 3 पैसेजेस भी कर पा रहे हैं, दो से शुरुआत करें, बट एटलीस्ट डू नॉट हरी अप. Are you getting my point? कि हमारा अभी प्रिपरेशन का टाइम है, तो प्रिपरेशन है ये, वी आर नॉट इन द बैटल फील्ड, राइट. तो किसी ने कहा है ये अपने जो फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, उन्होंने कहा है कि यू शुड ब्लीड इन द, यू शुड स्वेट इन द व्हाट यू कॉल योर प्रैक्टिस दैट मच दैट यू शुड ब्लीड लेस इन द वॉर. So, अभी हमें इतना पसीना बहाना है कि मेहनत करनी है और आराम से विद रिलैक्स, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, राइट. सो लेट्स स्टार्ट एंड धीरे धीरे पढ़े. जैसे अपन देखते हैं, एक न्यूज आई थी अभी द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, परसों के अखबार की है, आपने पढ़ा भी होगा ये, इट वॉज अ वेरी सीडिंग न्यूज रही थी ये, इट वॉज अ सीडिंग इशू, राइट. आपने देखा होगा, ये अपन पहले भी वर्ड देख चुके हैं, सीडिंग. सीडिंग का मतलब ही होता है बॉइलिंग, राइट, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा. सो इट वॉज अ वायरल एंड इट वॉज अ सीडिंग टॉपिक एयरलाइन के अंदर, जो एक महिला है उन्होंने आरोप लगाया था एक पुरुष के ऊपर कि उन्होंने उनके ऊपर पेशाब कर दिया, ही यूरिनेटेड ऑन हिम ऑन हर. तो अब कह रहे हैं कि मिश्रा ने, जो मिश्रा, अब ये जो अपोस्ट्रोफी देख रहे थे इसका भी कुछ मीनिंग होगा, इसको भी हमें समझना चाहिए कि मिश्रा का जो डिफेंस है, दैट मिश्रा का डिफेंस क्या है कि जो औरत है उसने यूरिनेट करा है अपने ऊपर खुद ने, और वह है डेरोगेटरी. क्या है डेरोगेटरी? जो ये डिफेंस है वह डेरोगेटरी. अब डेरोगेटरी क्या होता है? इट्स अ वेरी गुड वर्ड टू यूज एंड लेट्स सी द सिनोनिम्स ऑफ डेरोगेटरी. डेरोगेटरी का मतलब होता है वेरी इंसल्टिंग, डेरोगेटरी इसका एक अच्छा सिनोनिम है. और जब भी आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जस्ट डू अ थिंग दैट एटलीस्ट उस वर्ड का मीनिंग और एक सिनोनिम, राइट, सो दैट वी कैन हैव गुड वोकैबुलरी बेस एज वेल, क्योंकि एग्जाम तक हमारे पास बहुत अच्छा वोकैब होना चाहिए. और अगर आप एक सिनोनिम लेके चलते हो, दो डिक्शनरी आपको कम से कम 5-7 दिखा देती है, बट वी कैन नॉट नो व्हाट यू कॉल रिमेंबर, वी कैन नॉट कीप इट टिल आवर एग्जामिनेशन. हम धीरे धीरे भूल जाते हैं इतने सारे याद कर कर, राइट. तो याद करने का भी एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं ब्रेन मैपिंग. सो काइंडली जस्ट डू दिस थिंग कि वेन एवर यू आर सर्चिंग एनी वर्ड, वेन एवर यू आर क्वेस्टिंग एनी वर्ड इन द डिक्शनरी, जस्ट लुक फॉर अ सिनोनिम. मैं इसका आपको एक अच्छा सिनोनिम बता देता हूं, दैट इज पेजोरेटिव. Pejorative is also insulting, right? So kindly use that word, pejorative or derogatory. It's a very good word to use.
राइट तो अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जो मिश्रा का जो डिफेंस है कि औरत ने खुद अपने ऊपर यूरिनेट करा है वह बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है. आई होप यू गॉट द हेडलाइन. अब अपन देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहे हैं. ये खबर है न्यू दिल्ली से. अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी. ओके फाइन सो दैट वी कैन रीड इट प्रॉपरली. लेट्स रीड द फर्स्ट. अपन फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं. काउंसिल फॉर द एल्डरली वुमन हु कंप्लेन्ड दैट शंकर मिश्रा यूरिनेटेड ऑन हर on an Air India flight in November has reacted with outrage to Mr. Mishra's defense in a Delhi court claiming that the complainant had urinated on herself. I hope आपको लोगों को समझ में आया होगा. बट जब हमें समझ में नहीं आता है तो कैसे पढ़ना चाहिए हम उसी के लिए हैं. जिनको समझ में नहीं आया है हम इसको वापस पढ़ते हैं. बट अब कैसे पढ़ने का जब भी आप पढ़ रहे हैं गाइज सी वी ऑलवेज कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स इन हिंदी एज वी आर हिंदी भाषी बचपन से. इट इज़ आर यू नो वॉट यू कॉल नेटिव लैंग्वेज. सो अपना दिमाग जो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता चलता है. तो आप इसको जब पढ़ते हो तो अपने दिमाग को या बोलने की आप थोड़ी सी कोशिश करें. जो काउंसिल है किसका काउंसिल है. जो एल्डरली वुमेन का काउंसिल है उसने कंप्लेन करी है कि जो शंकर मिश्रा है उन्होंने यूरिनेट करा था उनके ऊपर एयर इंडिया के अंदर इन नवंबर. उन्होंने रिएक्ट करा है. ये रिएक्शन अब देखिए जहां पर ये एक वर्ब आई है रिएक्टेड. अब ये रिएक्ट करा किसने है दैट इज इंपॉर्टेंट. वी हैव टू सी हु हैज रिएक्टेड. ये रिएक्ट करा है जो महिला के जो वकील है उन्होंने रिएक्ट करा है. और कैसे रिएक्ट करा है विद आउटरेज. राइट आउटरेज इज विद फुल ऑफ एंगर right but not violence yahan par but in anger he you know reacted in vex. Vex is a good word that is for anger. So with outrage aur kiske upar un react kar raha hai to Mr. Mishra's defense ki jo Mr. Mishra hai unka jo defense hai uske upar un react kar raha hai. Unka defense kya hai ki in a Delhi court unhone claim kara hai ki jo complainant hai jo mahila hai unhone khud ne hi urinate kar liya apne upar उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट करा. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड इट कंप्लीटली. और जब भी अगर आपको नहीं समझ में आता हो ब्रेक द थिंग्स लुक एट द वर्ब्स. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब भी अगर आपको लाइन नहीं समझ में आ, इट्स अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस. आप देख रहे हो कि यहां से चालू हुआ है और यहां तक आया है तो इसकी पूरी कंटिन्यूटी है. बट इसके अंदर जो वर्ब्स हैं उनको आप गौर करें कि वो किसने की है और वो किसके ऊपर उसका रिएक्ट आया. बिकॉज एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी सेंटेंस में बट एटलीस्ट वर्ब हमेशा रहेगी दैट इज फॉर श्योर. तो यहां पे रिएक्ट करा है किसने. जो काउंसिल था जिसने कंप्लेन करी थी शंकर मिश्रा के खिलाफ एयर इंडिया के अंदर नवंबर के अंदर वह रिएक्ट करा है गुस्से के साथ उसके मिस्टर मिश्रा के जो डिफेंस थे इन दिल्ली के अंदर जिन्होंने क्लेम करा है कि जो कंप्लेनेंट है जो महिला उन्होंने खुद ने अपने ऊपर यूरिनेट करा है. आई होप यू गॉट इट. अब आगे क्या हुआ. It has been brought to our knowledge that certain scurrilous, scurrilous is a very good word which is used. जब आप किसी को ह्यूमिलेट करते हैं जब आप किसी को इंसल्ट करते हैं या उनको बहुत ज्यादा उनको डिग्निटी को हार्म पहुंचाते हो तो इसके अपन सिनोनिम्स देख सकते हैं. लेट्स लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड scurrilous. इट्स अ गुड वर्ड. लेट्स सी. ओके जस्ट मैं यहां पे मार्क कर देता हूं वर्ड दैट इज scurrilous. अपन देखते हैं इसके synonyms. आप भी लिख सकते हैं. ओके लेट्स लुक एट दी synonym ऑफ दीज वर्ड्स. vitriolic. vitriolic इज अ गुड वर्ड राइट. vituperative. इट्स अगेन अ गुड वर्ड फॉर humiliative. Then we have okay. We have vitriolic. We have vituperative. Then we have truculent. Truculent. T-U-R. C-U-L-E-N-T. It's again a very good word, right? So truculent is there, vituperative is there, vitriolic is there. That is for scurrilous.
Scurrilous is a very good word that we must use it, right? Whenever it is humiliating. तो उन्होंने क्या कहा है, अगर आप लोगों ने वर्ड्स लिख लिए हो, आई रिपीट, विट्रियोलिक, विट्रिपरेटिव और टर्कुलेंट, टी यू आर सी यू एल ई एन टी, राइट, दे आर गुड वर्ड्स। तो ये आपको भी अभी मैंने सिर्फ तीन बताए हैं, अपन को एक ध्यान रखना है और उस एक को हमें कहीं ना कहीं यूज भी करना है। यू कैन गो फॉर विट्रियोलिक, इट्स अ गुड वर्ड, ये आपको कई बार टोन्स भी मिल जाती हैं, कई बार आपको ये आपके पैसेजेस में भी वर्ड पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, नाउ अगेन लेट्स गेट बैक टू दैट न्यूज। Okay, fine. It has been brought to our knowledge that certain scurrilous and defamatory allegations have been made on behalf of the accused. Accused जो दोषी है, ये किसके on behalf of, कैसे allegations लगाए गए हैं? Allegations कैसे हैं? Defamatory हैं, libel हैं, what you call vilifying हैं, उनको बदनाम करने वाले हैं, scurrilous है, humiliating है, right? Vitriolic है, okay. और ये किसकी तरफ से लगाए गए हैं? ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, जो दोषी थे मिस्टर मिश्रा, उनकी तरफ से लगाए गए हैं। कहां लगाए हैं? बिफोर द एएसजे पटियाला हाउस कोर्ट। नीडलेस टू स्टेट, नीडलेस, इसकी जरूरत नहीं थी टू स्टेट बताने की, बट द एलिगेशंस आर कंप्लीटली फॉल्स एंड कॉन्कक्टेड। कॉन्कक्टेड इज अ वेरी गुड वर्ड दैट इज डॉक्टर्ड और morphed, or we can say they are what you call makeup, इनके साथ बनाया गया है, falsely they are made by and by their very nature are disparaging. Disparaging is again a very good synonym for derogatory or pejorative or insulting, right? ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, जब कई बार आपने सुना होगा, कई बार MLA जाते भी, चुनाव इलेक्शन का टाइम है, तो जब भी ये पॉलिटिशियंस आते हैं, सो दे पास सम डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट, सम डेरोगेटरी स्टेटमेंट। जब आप स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक और वर्ड होता है, अगर अपन देख सकते हैं, दैट इज स्लैंडर, एस एल ए एन डी ई आर, इट्स अ गुड वर्ड, डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद एस एल ई एन डी ई आर, that is used for a slim and short girl, and slander is used for you know, vilifying somebody's image or insulting, disparaging or pejorative or derogatory statement, this is used for statement. ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा newspaper के अंदर। चलिए, so इन्होंने लिखा है कि ये जो false and concocted and by their very nature are disparaging and derogatory, तो ये कह रहे हैं कि जो allegations लगाए गए हैं, they are completely false and concocted, that is they are doctored, they are morphed, right, and they are very nature, इनका जो nature है, that is very disparaging and derogatory, said a statement issued by अंकुर महिंद्रो, काउंसिल फॉर द विक्टिम। तो जो महिला का केस लड़ रहे हैं, उनका नाम है अंकुर महिंद्रो, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इट एडेड, उन्होंने इसके अंदर एड करते हुए बताया है कि जो एलिगेशंस है दैट द विक्टिम यूरिनेटेड ऑन हरसेल्फ वाज अ कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन, और जो ये आरोप लगाए महिला के ऊपर ही, राइट, कि महिला ने आरोप लगाया था कि उस आदमी ने उनके ऊपर यूरिनेट करा है, बट ये जो आरोप लगाए गए हैं वो कंप्लीटली क्या है, अभी बहुत अच्छा वर्ड आने वाला है, कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन एंड वॉल्टेफेस। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, इट्स अ फॉरेन वर्ड, जिसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ समथिंग, है ना, बट ये होता है रिवर्सल ऑफ अ पॉलिसी, बट यहां पे रिवर्सल ऑफ पॉलिसी नहीं है, इट इज अ रिवर्सल, जस्ट उल्टा चोर कोटवाल को डांटे वैसा वाला केस है। सो ये हो गया वॉल्टेफेस, कि दैट मीन जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया था किसी काम का, आप उसी के ऊपर वाला आरोप लगा दिया। तो इन्होंने क्या करा है मिश्रा जी ने, मिश्रा जी के वकील ने, कि महिला ने आरोप लगाया था मिश्रा जी के ऊपर कि दैट पर्सन हैज यूरिनेटेड ऑन हर, बट उन्होंने कह दिया नो, शी हरसेल्फ यूरिनेटेड ऑन हर, राइट। सो अब उसको, इस चीज को उन्होंने कहा है कि दैट इट्स अ कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन एंड अ वॉल्टेफेस ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय द अक्यूज्ड टू प्लीड, और यह एक वैसी स्टेटमेंट दी गई है अक्यूज के द्वारा जो कि उसने प्ली करी थी अपने केस के अंदर इन हिज बेल एप्लीकेशन। तो जो बेल एप्लीकेशन में जब उसने याचिका डाली, तो उसने ये जो स्टेटमेंट दिया है, दैट इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट एंड इट इज कंप्लीटली व्हाट डू कॉल वॉल्टेफेस। सो वॉल्टेफेस इज अ गुड वर्ड, ये आपको ध्यान रखना चाहिए बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लीगल, यू पीपल हैव लॉट ऑफ फॉरेन वर्ड्स टू रिमेंबर, सो काइंडली वर्क ऑन दैट एंड काइंडली रीड newspaper every day. Okay,
सो द एंडेवर, अगेन एंडेवर इज अ वेरी गुड वर्ड जो स्टूडेंट से मेरे उनको अच्छे से वर्ड बाय हार्ट हो चुका है. व्हाई? बिकॉज आई ऑलवेज यूज दैट वर्ड अपने प्रीवियस वीडियोस में. आपने देखा होगा मैंने उसके अंदर भी यूज करा दैट वी हैव टू पुट आर एंडेवर्स टू अचीव आर ड्रीम्स टू अचीव द सक्सेस. हमें अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे. दैट मीन्स हमें अपने प्रयास हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. तो एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स. गाड़ी का नाम भी है. ओके सो द एंडेवर ऑफ the endeavor of the victim throughout has been to ensure that institutional changes are made so that no individual has to go through the horrendous experience that the victim suffered. Right? तो जो efforts है किसके efforts? Endeavors of the victim की जो पीड़ित है उनके ऐसे प्रयास हैं. कैसे प्रयास हैं? थ्रूआउट लगातार रहे हैं उनके बने रहे हैं. हैज बीन टू इंश्योर, यह इंश्योर करने के लिए. क्या इंश्योर करने के लिए? कि जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं, जितने भी जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं, दे आर मेड सो दैट उनको ऐसा बनाया जाए इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को कि किसी एक को भी नो इंडिविजुअल हैज टू गो थ्रू द horrendous. Horrendous इज भयावह, भयंकर, राइट, एक्सपीरियंस that the victim suffered, right? जिससे victim गुजर रहे हैं उससे हमें किसी और को गुजरना ना पड़े. तो ऐसे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. किसके द्वारा? विक्टिम के द्वारा. फाइन. और ये किसने कहा है? मिस्टर महेंद्रो. Who is मिस्टर महेंद्रो? मिस्टर महेंद्रो इज the counsel for the victim. The accused, और जो accused है, however is a conjunction. इसके बार बार क्लास में कहता हूँ कि अगर आपको ग्रामर में कुछ चीज़ें देखनी है तो you should always focus on preposition and conjunction. इनका आपको यूज से जाना चाहिए. अब देख रहे हैं however को कैसे यूज किया गया. However, उसके जस्ट बाद में एक तो कॉमा आता है, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा. however का मतलब होता है हालांकि, और ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट बात करता है. अब हम देखते हैं क्या कह रहा है. द accused however, हालांकि जो accused है, instead of being remorseful. Remorseful is a very good word. इसके लिए हम यूज कर सकते हैं. That means rather than being guilty, उसको पछतावा होने की बजाय इसके लिए अपन अच्छा वर्ड देखते हैं. That is repent. Or we can go for penance. Penance is also used for guilty. Right? So rather than being penance or repentful or remorseful for the utterly disgusting, disgusting act committed by him, has adopted a campaign. ये क्या कह रहे हैं कि जो accused है instead of being remorseful, कि उनको पछतावा होने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, हालांकि. अब ये किसके विपरीत कहा गया है कि यह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसके एक्ट के खिलाफ, कि जो उसका एक्ट था दैट वाज कंप्लीट अटरली डिसगस्टिंग एक्ट कमिटेड बाय हिम. उसके बावजूद भी, हालांकि उन्होंने इतना गंदा काम करा है, फिर भी ही हैज अडॉप्टेड अ कैंपेन ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्सिटीज विद द इंटेंट. फॉल्सिटीज मतलब गलत खबरें, और विद द इंटेंट मतलब उस उद्देश्य से, ऑफ फर्दर हैरेसिंग द विक्टिम, कि और उसको फर्दर और आगे उसको और ज्यादा हैरेस करने के लिए. किसको? विक्टिम को. और ये किसने कहा है? सेट द स्टेटमेंट जो कि दी गई थी हमारे मिस्टर महेंद्रो. राइट. ओके. ड्यूरिंग बेल आर्ग्यूमेंट, जो बेल आर्ग्यूमेंट दिए गए इन द कोर्ट, द लॉयर्स ऑफ द अक्यूज, जो अक्यूज के लॉयर थे, हैड इनिशियली मेंटेन, उन्होंने शुरुआत में मेंटेन करा. क्या मेंटेन करा? कि द एलिज्ड एक्ट दो ऑब्सीन, हालांकि वह ऑब्सीन रहा एक्ट. ऑब्सीन का मतलब अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिफाइन नहीं करा है. ऑब्सीन, ऑब्सीनिटी मतलब अभद्रता. अब ऑब्सीन होता है जो कि किसी समाज के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था दैट इट कैन नॉट बी डिफाइन, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन दी व्हाट यू कॉल सोसाइटी. व्हेन देयर वाज अ केस इन केरला, when a couple was brutally thrashed by police and they were married, right? But police were suspicious that they are just a couple and sitting over there, and they thrashed even the female too. So uske just against me a kiss of love karke chalu hua tha a movement campaign jo Kerala se leke Delhi tak aaya tha. It was in 2014-15, right? So you can also go through that if you want to know ki what is obscenity and what is obscene.
राइट, तब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था दैट देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्सिनिटी एंड सोसाइटी इज द वन हु कैन डिसाइड व्हाट इज ऑब्सीन और नॉट. तो यहां पे कह रहे हैं कि जो अक्यूज था उन्होंने इनिशियली मेंटेन किया था कि जो एलिज एक्ट है दो ऑब्सीन कैन नॉट कम अंडर सेक्शन 354. भली वो ऑब्सीन हो लेकिन वो नहीं आ सकता अंडर एक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड कि आप उसको आईपीसी की 354 धारा के तहत नहीं ला सकते. सिंस द इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेसिटी ऑफ अ वुमन वॉज एबसेंट. इनका कहना है कि भली वो ऑब्सीन क्यों ना हो लेकिन पीनल कोड 354 के तहत जो इंटेंशन था वो आउटरेज उसको वायलेट करने का नहीं था. किसको? दी मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, की एक किसी महिला की गरिमा को भंग करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था. इस बिहाफ पर ओके फाइन. So under since the intention to outrage the modesty of a woman was absent, ki that was missing, ki usme mahila ki garima ko bhang karne ka jo uske andar jo ingredient tha that was missing on the part of the accused. Accused ki taraf se it was missing. So that's why unhone bail argument mein ye argument diya. I hope you have thoroughly understood this small passage कि कैसे पढ़ना होता है इसको, कैसे अपन को उसके synonyms ढूंढने होते हैं. और अगर हमें कहीं comprehend नहीं कर पाते हैं तो उसको वापस से पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद करते आप चलें. और अगर आपके पास में कोई आपका भाई बहन या अगर आपका कोई मित्र भी है तो आप उसको भी बैठा के उसके साथ पढ़ सकते हैं, उसको बता सकते हैं. और कोई नहीं है तो आप अकेले स्वयं उनको तोड़ तोड़ के समझते चलें. इट गोना हेल्प यू, दो इट कैन बी अ वेरी स्लो प्रोसेस बट येस it gonna help you to comprehend the things completely. and आपको पता है आपके question गलत होने का केवल एक ही reason होता है कि हम उसको comprehend नहीं कर पाए. अभी हम क्या करेंगे, starting में हो सकता है कि it could be a very slow one, that is completely fine, no issues. क्या हो कि अगर हमारा तरीका सही है, भली वो धीरे क्यों ना, लेकिन अगर हमारा तरीका सही है तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं. राइट, भली धीरे क्यों ना, स्टार्टिंग में हम कभी भी बहुत तेज साइकिल नहीं चला सकते, वी हैव टू गो स्लोअर. सो सेम लाइक दैट, अभी अपनी स्पीड आप धीरे रखें बिकॉज वी आर इन द इंसेप्शन ऑफ आर व्हाट यू कॉल प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन. सो यू डू नॉट हैव टू हरी, सो जस्ट रिलैक्स. और अगले वीडियो में अगेन आई विल कम अप विद अ वेरी इजी बट ऑफ डिफरेंट जॉनर. आई विल ट्राई टू गो फॉर सम ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर. Right, or it could be a story too, right? Because in the previous paper you might have seen that there were narrative passages too. So I'll try to come up with those type of. Main dekh raha tha article kuch acha mil jaye, but I hope we have learned that what is the meaning of derogatory, disparaging, uska synonym hota hai pejorative. Then Voltaire face is a very good word, that is reversal of something. Usse ulta chor kotwal ko daante, that we have in horrendous. Then we have seen slander. Then we have seen vitriol, that is scurrilous. Then we have seen modesty is again a good word. So we have learned so many good words and we have come what you call understood the passage thoroughly. अभी अपन क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं और हमें आप लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर्स करने भी नहीं चाहिए. पहले मैं अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा तभी तो मैं फिर किसी बॉलर के सामने उतरूंगा. तो पहले अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करो और फिर क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे अपन आने वाले वीडियोस पर. फाइन, सो टिल देन टेक केयर, होप यू पीपल हैव लर्नड फ्यू थिंग्स एंड टेक केयर.